हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद यास्मिन। आज की जो वीडियो है वो DSSS 2023 के सिलेबस की वीडियो है कि किस तरीके से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। जैसे तो आपको PRT के लिए अप्लाई करना है तो पहले तो आपके 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए, और सेकेंड इज़ आपने कोई डिप्लोमा कर रखा हो, DLED कर रखा हो, BLED कर रखा हो या BED कर रखा हो, ये हो गई एक बात। सेकंड, आपका सीटेट का पेपर 1 क्लियर होना चाहिए। पेपर 1 क्लियर होने के लिए जर्नल के 90 नंबर होने चाहिए। अगर आपके 90 में से 89 भी आ रहे हैं ना तो भी आपका पेपर 1 क्लियर नहीं माना जाएगा। अरे लेकिन अगर आपके 90 में से 91 आ रहे हैं तो देन आपका पेपर क्लियर है, यानी 90 मार्क्स होने चाहिए जर्नल में। सेम एज़ OBC में 85, SC ST में 82। इसी तरीके से एग्ज़ाम्स वगैरह में, एग्ज़ाम्स का कैसा पैटर्न रहेगा वो मैं आपको बता देती हूँ। एग्ज़ाम्स में पेपर A में जो आपका जर्नल अवेयरनेस है वो 20 मार्क्स का आएगा, रीजनिंग 20 मार्क्स की आएगी, मैथ्स 20 मार्क्स की आएगी, इंग्लिश 20 मार्क्स की आएगी, हिंदी भी 20 मार्क्स की आएगी। टोटल क्वेश्चंस हो गए 100, तो 100 क्वेश्चंस आपके टोटल 100 मार्क्स के आएंगे। नेक्स्ट जो पार्ट B है, पार्ट बी आपका पेडागोगी से रिलेटेड होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 मार्क्स के आएंगे। इसके अंदर ये होगा कि आपके 200 क्वेश्चन आ गए, 2 घंटे का आपके पास टाइम है, लेकिन इसमें क्या है, नेगेटिव मार्किंग भी है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।